और जितना ड्राइवर भाई बंधु है सबसे कहते हैं सर कभी झुकना नहीं चाहिए, सर उठा के जीना है। क्यों? किसी की बाल है, बच्चा है, बीवी है, कभी सोचा नहीं है सरकार जो क्या होता है। सरकार को तो है खाली वोट चाहिए, लेकिन नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, वही दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड से हम आपको विशेष खबर दिखाते हैं, जहां विभिन्न जगहों पे मुख्य सड़कों पे सभी वाहन को रोका गया और हड़ताल किया, सरकार पर जमकर नारेबाजी किया, अमित शाह पर जमकर विरोध किया, कहा अपना काला कानून वापस ले। हम आपको पूरा खबर दिखाते हैं, खासकर ड्राइवरों का क्या है मांग, खबर को पूरा देखें। संहिता 2023 जो हमारे परिवहन मंत्री के द्वारा लगाया गया, नितिन गडकरी जी द्वारा, वो गलत है, उसको खारिज किया जाए, वापस लिया जाए, हम सभी लोगों का यही मांग है। अच्छा, कब से कब हैं आप लोग स्ट्राइक पर? कल से है। क्या कानून लगाया गया? भारतीय आईपीसी का जो धारा था उसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता जो संशोधित किया गया उसके विरुद्ध है हम लोग। इस कानून से ड्राइवर को कितनी घाटा हो रहा है, क्या उस पर प्रभाव? ड्राइवर 10 साल की सजा है, 7 लाख की जुर्माना है, क्या ये जायज है? एक ड्राइवर जो है 7 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? 10 साल की सजा, जिसका दिहाड़ी 4-5 हजार रुपया होता है, वो कहाँ से 7 लाख रुपया जमा कर पाएगा, बताइए? सरकार से हमारा सवाल है, यदि सरकार इस पर संशोधन नहीं करती है तो क्या? हम लोग धरना, हम लोग ये जो शुरू किए हैं कल, एक 2024 से वो लगातार जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिओम मिश्रा हुआ। कहाँ किए हुए हैं धरना? हम लोग सरूपा चौक पे किए हुए हैं। लोग स्ट्राइक पर हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है जो ये काला कानून जो लगाए हैं, जो ये ड्राइवर को जो बोले हैं कि जो एक्सीडेंट होने के बाद 10 साल जुर्माना, 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना, अगर ड्राइवरों के पास अगर 7 लाख अगर रुपया अगर होता तो ड्राइवर ड्राइवरी करने के लिए क्यों जाता? इसलिए करके ये कानून वापस लिया जाए। एक चीज मैं पूछता हूँ, जो अमित शाह जी बतावे, जो ड्राइवर चलता है अपने मर्जी से, हम ठीक चल रहे हैं, सामने वाला आकर के एक्सीडेंट कर आकर के घुस जाता है, वो मर जाए, अगर वहाँ पे अगर कहते हैं कि जो भागेगा नहीं ड्राइवर, अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक खून कर देगा, या तो ये कानून पब्लिक पे लगवाए, क्योंकि जो गाड़ी एक्सीडेंट होता है जो पब्लिक को ड्राइवरों को मारता है, कई ड्राइवर को वहाँ खत्म भी कर दिया गया है, ये कानून पब्लिक पे लगवाए, जो एक्सीडेंट होने के बाद कोई ड्राइवर को हाथ नहीं लगाएगा, ये उन पे लगाए, ये ड्राइवरों पे जो लगाया है ये गलत लगाया है। अच्छा, सरकारी एक और जो उसमें मुद्दा दिया गया है कि ड्राइवर नशा करके गाड़ी चलाता है, ड्राइवर अगर नशा करके गाड़ी अगर चलाता है उन पे अगर ये कानून अगर हो तो, अगर नशा में जो ड्राइवर पकड़ा गया उस पे वो कानून हो तो चलेगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश ठाकुर। कहाँ आप लोग यहाँ स्ट्राइक किए हुए? अतरबेल बिशनपुर मार्ग सरूपा चौक के नजदीक। हम गरीब परिवार से हैं, ड्राइवर एकता जो भी है, जो हर एक गरीब परिवार से है, उसके पास न 7 लाख रुपये होगा, 10 साल अगर वो जेल खटता है उसका परिवार बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, उसको कौन खिलाएगा? इसलिए ड्राइवर भाइयों, सभी आदमी निवेदन है जो अपना ये काला कानून जो लिया है अमित शाह जी ने, वो वापसी करें, नहीं तो हम कहाँ से देंगे? अगर मान लिया जाए जो हम उस जो एक्सीडेंटल हुआ उसको हम उठा के ले जाएंगे, हमको क्या पब्लिक छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। हम क्या करेंगे? टेम्पो चालक हो या चाहे मोटरसाइकिल चालक हो या चाहे ट्रक बस का हो, कोई भी हो, सभी भाइयों से निवेदन है जो अपना अपना एकता बना के रखे और काला कानून को वापस लिया जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जितना ड्राइवर भाई बंधु है उनको, जो गरीब व्यक्ति है उस व्यक्ति को 10 लाख रुपया नहीं पूरा जाए, उस व्यक्ति को 10 लाख रुपया नहीं पूरा जाए तो उसकी बीवी बाल बच्चा तो मर जाएगा, ये निश्चित है, लेकिन जहाँ से सरकार कानून लगाए अपना कानून का वापस लिया जाए, क्यों वापस लिया जाए? इस कारण कानून ले लिया जाए वापस, और मान जाए ड्राइवर को इतना कानून है तो ड्राइवर का तनख्वाह होना चाहिए कम से कम, जिसका हैवी लाइसेंस उसको 2 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए, फिर 10 लाख का 10 साल का जेल होगा, और जितना नॉर्मल ड्राइवर है उसको 50 से 60 हजार रुपया तनख्वाह सरकार देगा, फिर वो भी आदमी ड्राइवरी करके उतना पैसा मुफ्त कर सकता है, क्यों? 5 साल ड्राइवरी करेगा, 5 साल में 10 लाख रुपये कमाएगा, 10 लाख दंड देने में सरकार को कोई डर नहीं है, लेकिन सरकार जैसे बोला कानून लगा दो दूसरे के ऊपर, ऐसे वैसे ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? जितना हमारा टेम्पो है, चालक है, जितना है गरीब है, जितना ट्रक ड्राइवर है उसका तनख्वाह कितना है? सिर्फ 4 हजार, कमीशन पे गाड़ी चलाता है, जितना बड़ा आदमी उसका तनख्वाह कितना है? 4 हजार से 5 हजार, हाईएस्ट ड्राइवर का तनख्वाह है तो 7 हजार, 7 हजार में क्या उसका बाल बच्चा सब पलाएगा, उसका स्कूल मेंटेनेंस, घर मेंटेनेंस सब कुछ देना है उसमें ड्राइवर को, खाई के औकात नहीं है, फिर भी सरकार कहता है कानून, किस लिए?
तक आपका ये स्टॉक रहा है? ये स्टॉक जब तक नहीं है कानून नहीं क्लियर होगा जब तक ये चलता ही रहेगा। और जितना ड्राइवर भाई बंधु है सबसे कहते हैं सर कभी झुकना नहीं चाहिए, सर उठा के जीना है। क्यों? किसी की बाल है, बच्चा है, बीवी है, कभी सोचा नहीं है सरकार जो क्या होता है। सरकार को तो हाँ ये खाली वोट चाहिए, लेकिन देखता है बिहार में क्या होता है नहीं होता नहीं देखता है। बोला घर मिलेगा गरीब आदमी को, क्या कौन दे दिया? किसी नहीं दिया। गरीब को क्या बोला? बेटी को शादी होगा, पैसे नहीं लेगा, फिर भी तिलक ले रहा।